नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में। आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने पकड़ ली है राह विकास पुरुष बनने की। बताएंगे आपको कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक कैसे सीएम ने लगा दी है यूपी की जनता के लिए सौगातों की झड़ी। जहां एक तरफ सीएम योगी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा करते हुए 6 महीनों में सभी यानी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं योगी सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का भी एक और बड़ा ऐलान कर दिया, वो भी कैशलेस। अब कैसे और कब तक इसका फायदा मिलेगा यूपी की जनता को, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपीएसएससी के लिए बम्पर भर्तियां निकालने की योगी सरकार ने कर ली है तैयारी, और अगले 8 महीनों में ही 33,700 सरकारी पदों पर की जाएंगी ये भर्तियां। यानी अब यूपी की जनता को सरकारी नौकरियां तो मिलेंगी ही, साथ ही मिलेगा सरकारी योजनाओं का भरपूर फायदा। तो इसके साथ ही अब चुनाव तक पूरे हो रहे तमाम प्रोजेक्ट के उद्घाटन और लोगों की मांग से जुड़े नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास के जरिए भी योगी सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने की योजना तैयार कर रही है। जहां उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई बड़े ऐलान कर चुके हैं, जिसमें एक बड़ी घोषणा ये है कि आने वाले 6 महीनों में सूबे के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार खुद के संसाधनों और केंद्र सरकार की मदद से सूबे में मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला खड़ी करने की तैयारियां कर रही है। महाराजगंज, संत कबीर नगर, मऊ, बलिया जैसे जो 16 जिले बचे हुए हैं, अब वहां यूपी सरकार केंद्र सरकार की मदद से पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलेगी। इसको लेकर सीएम ने खुद की सरकार की तो तारीफ की ही, लेकिन पिछली सरकारों पर वार करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर कोई काम नहीं किया, तभी तो 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज ही थे, जबकि 2017 से 2021 के बीच यानी महज 4.5 सालों में बीजेपी की सरकार ने 32 नए राजकीय मेडिकल कॉलेज सूबे में बनवा दिए हैं। वहीं इससे और एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का भी ऐलान कर दिया। इसके तहत अब सूबे के 40 लाख से ज्यादा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 5 लाख प्रति वर्ष तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा सरकार की तरफ से फ्री मिलेगी। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना की तरह ही 5 लाख तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा यूपी की जनता को अब योगी सरकार देगी। हालांकि योगी सरकार ने अपने स्तर से 2019 में सीएम जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 8 लाख से ज्यादा परिवारों को इस योजना का फायदा देना शुरू कर दिया था, और अब 40,79,598 परिवारों के 1,30,55,710 लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। वहीं अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की लिस्ट को हर 6 महीने में अपडेट किया जाएगा। योजना का वित्तीय भार राज्य सरकार उठाएगी और सूबे में 2700 से ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। सरकार की इस कैशलेस योजना में लाभार्थियों को इलाज के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। इलाज पर होने वाला सारा खर्च राज्य सरकार सीधे अस्पतालों को देगी। योजना में 1500 से ज्यादा पैकेज और प्रोसीजर, जिसमें कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हृदय रोग, मोतियाबिंद, किडनी ट्रांसप्लांट, नी ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियां शामिल होंगी। वहीं यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार युवाओं को भी एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बम्पर भर्तियां निकाल दी हैं, जिसके जरिए 33,700 पदों पर सरकारी नौकरी मिलेगी। दरअसल यूपीएसएससी ने भर्तियों को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है, और अगले 8 महीनों में यूपीएसएससी 33,700 पदों पर भर्तियां करेगा। इसमें 29,932 पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी, जबकि 3,768 पदों पर पुरानी भर्तियां होंगी। ये भर्तियां नवंबर से शुरू हो जाएंगी, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चुनाव से पहले ही इन सभी पदों पर नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। यानी अगले साल मार्च तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। वहीं राज्य सरकार उन परियोजनाओं पर भी फोकस बढ़ाने जा रही है जो अगले 6 महीनों में पूरी हो रही हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिसंबर तक इन परियोजनाओं को पूरा करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उद्घाटन कराने की भी तैयारी है। अब चुनाव तक पूरे हो रहे प्रोजेक्ट के उद्घाटन और लोगों की मांग से जुड़े नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास के जरिए माहौल बनाने की योजना भी सरकार ने बना ली है। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम प्रदेश में बढ़ने वाले हैं। पिछले दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर और लखनऊ की ट्रेन से यात्रा कर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी थी। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति कोविंद की अगली यात्रा भी तय हो रही है। उन्हें जल्द ही गोरखपुर आमंत्रित कर आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराने की सरकार की योजना है। इसी तरह इसी महीने वाराणसी में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री का 30 जुलाई को सिद्धार्थ नगर आने का कार्यक्रम भी तय हो गया है। वहां वो 9 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे और इसी महीने गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ में पुलिस फोरेंसिक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना, एम्स और लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कराने की भी सरकार की योजना है। इनके काम अंतिम चरण में है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले की सभी औपचारिकताएं भी 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएंगी और इसी तरह प्रयागराज से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेस वे के भूमि अधिग्रहण का काम भी तेजी से चल रहा है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट का शिलान्यास बड़े स्तर पर कराने का प्रस्ताव है। तो कानपुर में मेट्रो के प्राथमिक सेक्शन का काम भी चल रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह सपा सरकार ने चुनाव से पहले प्राथमिक सेक्शन पर लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी, ठीक वैसे ही योगी सरकार कानपुर के प्राथमिक सेक्शन का काम पूरा करवाकर चुनाव से पहले इसे हरी झंडी दिखाना चाहती है। इसी तरह कई अन्य प्रोजेक्ट्स चिन्हित किए जा रहे हैं जो दिसंबर तक पूरे हो सकते हैं। इन प्रोजेक्ट के उद्घाटन और शिलान्यास के सहारे ही सरकार चुनाव से पहले पूरब से पश्चिम तक अपनी पहुंच बनाएगी। हाल ही में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा में 6000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे, उसे देखकर साफ है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी समर में कूदने की तैयारी कर रही सरकार ने अब बेरोजगारों की नाराजगी दूर करने की तैयारियां भी कर ली हैं। साथ ही योगी सरकार ने बेरोजगारी का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ते हुए कहा कि हमने इच्छा शक्ति दिखाई और अपने कार्यकाल में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां दी। यानी अब योगी सरकार ने चुनावी मोड में आकर अब भर्तियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।